Hello, good morning. Sorry, due to some technical problems. Don't look at the board, I'm here. Sorry for the late, but I will compensate the time. How are you? Look at me, don't look at the board. So we will start with some recapitulation points. हम लोगों ने कल इंडस वैली सिविलाइजेशन के हाउ इट वॉज डिस्कवर्ड ये हम लोगों ने देखा था. हम लोगों ने डिस्कवरी के सारे पॉइंट्स और शुरुआत में हम लोगों ने कल इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ फीचर्स हमने देखे थे और वी हैव प्रीवियस नॉलेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन क्लास सिक्स ऑल्सो. हम लोगों ने ये भी देखा. इट इज क्लियरली दिस इज द क्लास ऑफ क्लास ऑफ ट्वेल्व History. This is history class, class 12. ये इतिहास की क्लास है, class 12 की क्लास है. इतिहास, first chapter, bricks, beads and burials. So we were in the discovery of Harappan civilization, and we also saw the features. कल की बात करें, recap की अगर हम बात करें, पुनरावृत्ति की अगर बात करें, तो हमने ये देखा था कि हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन हम क्यों करते हैं या इसका इम्पोर्टेंस हमारे लिए या विश्व की सभ्यता से तुलना करें तो क्यों ज़्यादा है. हमने ये भी देखा कि इसके अर्बन फीचर्स थे, शहरी. हमने इसके जब टाइमलाइन की बात, हमने जब इसके समय की बात की, कालावधि की बात की, तो हमने देखा कि आज से 4600 साल पहले एक नागरिक सभ्यता का, एक नागरिक सभ्यता, एक अर्बन सिविलाइजेशन अस्तित्व में आई थी. फिर हमने एक एक्सटेंट जब हम लोगों ने चर्चा की कि कितने बड़े क्षेत्र में यह फैला था, तो हमने देखा कि यह जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के इधर अफगानिस्तान के बॉर्डर से लेकर सीधा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक क्षेत्र तक फैला था. इस हिसाब से आज के आधुनिक पाकिस्तान से भी बड़ा क्षेत्र ये था. फिर हमने ये भी फीचर में देखा कि द ट्रेड विद द डिस्टेंट लैंड्स, ये भी हमारा एक फीचर्स था. अब हम थोड़ा हम आगे बढ़े. आज का जो टॉपिक है, द टॉपिक इज रिलेटेड विद द इकोनॉमिक लाइफ. इकोनॉमिक लाइफ मीन्स आर्थिक जीवन, अर्थव्यवस्था. कैसी अर्थव्यवस्था थी, अगर आप बुक चैप्टर में आप देखें तो वो सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज लिखा गया है. सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी मींस जीवन निर्वाह की क्या क्या साधन थे हड़प्पा वासियों के, किस तरह वो अपनी अर्थव्यवस्था, आखिर कुछ तो खाते पीते होंगे, कैसे उनका गुजारा चलता था. तो हम इसकी बात करेंगे सबसे पहले. तो ये जान जाइए कि आज जो आप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश का जो कुछ क्षेत्र हम देखते हैं, पहले उस जमाने में हड़प्पा काफी उर्वर इलाका था. सिंधु नदी में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण जो एल्यूवियल डिपॉजिट्स बार बार होते थे, जिस कारण वहाँ की जमीन काफ़ी उपजाऊ थी. उपजाऊ जमीन होने के कारण मल्टीपल क्रॉप्स वहाँ उगाए जाते थे. तो कृषि मुख्य व्यवसाय था. द एग्रीकल्चर दैट वॉज द मेन ऑक्यूपेशन. मीन्स फर्टाइल लैंड एंड द फ्रीक्वेंट फ्लड इन द इंडस रिवर, इट लेड टू द एल्यूवियल डिपॉजिट्स. एल्यूवियल डिपॉजिट्स के कारण फर्टिलिटी बढ़ती थी और कई प्रकार के क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स वहां प्रोड्यूस किए जाते थे, जिसमें मुख्य रूप से जो उनका स्टेपल डाइट था गेहूं और जौ. इसके अलावा वो दाल, सफेद चना, तिल, और हमें गुजरात से हमें बाजरा की खेती के भी प्रमाण मिले हैं. इसका मतलब जब आप स्टेपल डाइट, स्टेपल फूड के अलावा ग्रेन्स की आप बात करते हैं कि कौन कौन से फूड ग्रेन्स वो प्रोड्यूस करते थे, तो वहां आप लिखेंगे गेहूं, जौ, सफेद चना, तिल. गुजरात के क्षेत्रों में हमें बाजरा के प्रमाण मिले हैं. हाँ, एक चीज और बहुत इट इज नोटवर्दी हियर, चावल की खेती के, एक्सटेंसिव खेती के कोई प्रमाण नहीं है. चावल की खेती के प्रमाण आपको सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत कम मिले हैं. रंगपुर और लोथल
बस यहीं से आपको चावल के दाने मिले हैं और यहीं चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, अदरवाइज चावल की खेती के एक विस्तृत खेती या विस्तृत क्षेत्र में खेती के कोई प्रमाण नहीं है, यानी चावल मुख्य क्रॉप नहीं था। ये बिल्कुल आप ध्यान से इस बात को नोट करें। जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में, इस सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये चीजें बहुत ध्यान रखी जाती हैं कि जहां आपको दिए जाए कौन से वहां के मुख्य फसलें नहीं थी। अगर दे दिया गया गेहूं, जौ, दाल, चावल, तो यहां आपका चावल होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट और एक देखिए, जब हम फूड ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, जब हम अनाज की बात कर रहे हैं, जब हम कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो एक चीज और गौर करें कि कपास की खेती ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था उस समय। जैसे सर जॉन मार्शल ने कहा था कि इट वॉज एक्सक्लूसिवली रेस्ट्रिक्टेड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एक्सक्लूसिवली रेस्ट्रिक्टेड यानी भारत में कहीं नहीं यहां कपास की खेती होती थी। मेसोपोटामिया तक जो हमारे व्यापार होते थे, मेसोपोटामिया के टेक्स में भी इस बात का जिक्र है। इट मीन्स इंडस वैली पीपल वेयर द अर्लीएस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। इसलिए प्राचीन समय में यूनानियों ने भी यहां के इंडस वैली पीपल लोगों के लिए जो शब्द यूज किया है वो शब्द है सिंडन, SINDON। ये सिंडन प्रोबेबली ये सिंडन इन ये सिंधु से निकला है, तो यह एक बहुत क्रॉप के संबंध में आप कॉटन को बहुत रिमार्केबली आप नोट करेंगे। अब हम एक और चीज देखते हैं कि ग्रैनरी वहां पाया जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो नगरों में हमें जो अनाज के भंडार दिख रहे हैं, अनाज के भंडार तब होंगे जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा। अब ये सरप्लस प्रोडक्शन या तो लोग रखते होंगे व्यापार के लिए या करों के रूप में एकत्रित किए जाते होंगे, ये क्लियर नहीं है, लेकिन अनाज के भंडार थे। आप जब टाउन प्लानिंग में देखेंगे तो आप सिटाडेल जो दुर्ग है, टाउन प्लानिंग का ये इंपॉर्टेंट चीज बिल्डिंग्स में माने जाते थे अनाज के भंडार। तो अनाज के भंडार का पाया जाना, भंडार का मतलब है कि वो भंडारण हो रहा है, यानी कि वो सरप्लस प्रोडक्शन है इंडस वैली पीपल का, वहां के लोगों के द्वारा अनाज के उत्पादन का एक सरप्लस प्रोडक्शन है। हमने जब मेसोपोटामिया के बारे में जब पढ़ रहे तो हम देखे कि अनाज को मंदिरों में रखा जाता था, और ये सेम कंटेम्पररी सिविलाइजेशन इंडस वैली यहां है, अनाज के लिए भंडार गृह का इस्तेमाल है। तो हमने अब हम देखेंगे कि आखिर हम अनुमान कैसे करते हैं, हाउ डू वी नो कि अबाउट द ये इनके डाइट थे, ये इनके स्टेपल डाइट थे, ये अनाज के दाने यूज करते थे, डाइटरी प्रैक्टिसेस क्या थे। एक क्वेश्चन अगर आ जाए कि हाउ डू द आर्कियोलॉजिस्ट या जो विद्वान है ये कैसे अनुमान करते हैं कि उनके डाइटरी क्या क्या इनके डाइट थे, तो हम बता दें कि जो दीवार जो फर्श के जो क्रेविसेस जो दरारें थी, दरारें के भीतर अनाज के दाने मिले हैं, जले हुए अनाज के दाने मिले हैं, बीज मिले हैं, मछली की हड्डी मिली है, पक्षियों की हड्डी मिली है। तो लग रहा है कि इससे अनुमान कर सकते हैं कि जिन अनाज की चर्चा हमने अभी की, जिस फूड ग्रेन्स की चर्चा हमने की, ये सारे उनके डाइटरी प्रैक्टिसेस के पार्ट हो सकते हैं। तो अनाज के अलावा वो फल में जैसे आप देखते हैं वो खजूर, तरबूज, नारियल, नींबू, अनार, ये सारी चीजें और सब्जियां इंडस वैली उगाते थे। तो पहले पॉइंट हमने देखा इंडस वैली पीपल विच क्रॉप्स दे प्रोड्यूस। अब हम कुछ वो किस तरह से उगाते थे वो उस पे हम चर्चा करेंगे, दैट द एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। ये सारा हम जितनी चीजें आज हम देख रहे हैं ये सारे इंडस वैली पीपल के इकोनॉमिक लाइफ या सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज के बारे में देख रहे हैं, जीवन निर्वाह के क्या साधन थे। अब हम कृषि तकनीक की कुछ चर्चा करें,
कि कृषि तकनीक यानी कृषि या खेती के आज खेती के तकनीक है, अगर आज के युग में आपसे ये प्रश्न किया जाए कि खेती के कौन कौन से तकनीक यूज किए जा रहे हैं, तो आप बताएंगे आधुनिक ढंग से खेती किए जा रहे हैं, आप ये भी बताएंगे कि ट्रैक्टर थ्रेसर्स, आप ये भी बताएंगे द एक्सटेंसिव यूज ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड पेस्टिसाइड्स, ये सारे यूज हो रहे हैं। उस हिसाब से अगर यही प्रश्न आपको हड़प्पा के लोगों के बारे में कहा जाए तो वो प्रश्न यही होता है कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। तो हम शुरू करें टेक्नोलॉजी में, पहले तो हलों से जुताई के प्रमाण हमें मिले हैं। बैलों का प्रयोग काफी होता था क्योंकि हमें बनावली से ऐसे मिट्टी से बने हल मिले हैं, बनावली। ये सारे क्षेत्र कल हमने मैच्योर हड़प्पन साइट्स में जिक्र किए थे, और हमेशा आप मैच्योर हड़प्पन साइट्स के ये जितने भी साइट्स हैं इन साइट्स से इसकी चर्चा बार बार होगी। हमें बनावली से मिट्टी के बने हल मिले हैं, मिट्टी से बने हल उस पीरियड के, इसका मतलब है हलों से खेतों की जुताई होती होगी। अभी हल जोतेगा कौन, कौन से जानवर? तो बैलों का प्रयोग बहुत एक्सटेंसिवली होता था क्योंकि हमें कई जगह से बैलों के टेराकोटा ये मिले हैं, हमें हमें आपको अभी दिखाऊंगा। अब है कि फसलों की कटाई के लिए वे टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स जो यूज करते थे वो धातु के होते थे, पत्थर के भी होते थे। यानी नंबर वन तो यू हैव यूज्ड की वहां खेतों की जुताई हलों से, ये बहुत बड़ी चीज। दूसरी चीज हमने देखे कि वहां पत्थर और कांसे के औजार, दिमाग में रखिए वो जब टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स की बात हो रही है, तो टूल्स और इंप्लीमेंट्स में जब हम मेटल टूल्स की बात करें तो मेटल आते ही आपके दिमाग में पहला आएगा लोहा, लोहा नहीं रहेंगे। लोहे का ज्ञान हड़प्पा वासियों को बिल्कुल उस समय तक बिल्कुल नहीं था। यानी जिस तरह हमने ये देखा चावल का तो देखा कुछ जगह प्रमाण मिले, लेकिन यहां लोहा आप बिल्कुल क्रॉस करेंगे, लोहे का ज्ञान हड़प्पा वासियों को बिल्कुल नहीं था। यह एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। अगर यह प्रश्न आ जाए कौन सा ब्रॉन्ज एज है, यह ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज यानी कांस्य युगीन सभ्यता है ये, यानी तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था, और तांबे के औजार, कांसे के औजार और पत्थर के औजार, ये आपको बहुत एक्सटेंसिवली आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको मिलेगा। यानी जब आपको आगे हम देखेंगे, जब हम क्राफ्ट्स की बात करेंगे, जब हम शिल्पकारी की बात करेंगे, तो मेटलर्जी की हम चर्चा करेंगे, द नॉलेज ऑफ मेटल्स की हम चर्चा करेंगे। तो यहां दूसरी चीज हमने देखी कि पत्थर और कांसे के औजार यूज किए जाते थे। तो पहली बात हमने देखी हलों से खेतों की जुताई, बैलों का प्रयोग। दूसरी चीज हमने देखी कि टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स जो पत्थर कांसे के। तीसरा ये सिंचाई, तो आज भी हम देखते हैं सिंचाई, तो सिंचाई वो भी करते थे। सिंचाई के प्रमाण हम चर्चा करेंगे। सिंचाई के कौन कौन से साधन थे, आप लिखेंगे नहरों से सिंचाई है, आज भी होती है, नहरों से सिंचाई, कुओं से सिंचाई और जल के भंडार यानी वाटर रिजर्वायर, इनके प्रमाण मिले हैं। बिल्कुल ध्यान रखें, आपसे यह प्रश्न सीधा सवाल है कि अगर यह किया जाए कि सिंचाई के कौन कौन से साधन, इरिगेशन फैसिलिटीज वेयर यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, नंबर वन द कैनल्स, नंबर टू वेल्स। अब ये कैनल के प्रमाण सारे ऐसे नहीं मिले हैं हर जगह से, हो सकता है इंडस बेसिन में ये कैनल धस गए हो, लेकिन जो हमें अफगानिस्तान के एक इलाका है शोरतुघई, ये शोरतुघई बिल्कुल दिमाग में रखिए और अंडरलाइन कर लीजिए कि नहरों के अवशेष किस स्थान से मिले हैं। कुछ चीजें ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बार बार आएंगे और हमेशा ध्यान दिया, अफगानिस्तान के शोरतुघई से आपको नहरों से सिंचाई के प्रमाण मिले हैं, नहरों के अवशेष वहां आपको मिले हैं। और कुओं से सिंचाई के प्रमाण, तो कुएं तो बहुत घर घर में कुएं होते थे, कुएं से सिंचाई के प्रमाण बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको हड़प्पा सभ्यता में मिलती है। तीसरी बात, हमें हड़प्पा के लोथल से हमें वाटर रिजर्वायर्स मिले हैं, हड़प्पा हमें गुजरात के धोलावीरा से हमें वाटर रिजर्वायर मिले हैं,
और तो ये बताते हैं कि वो खेती के लिए जल का भंडारण करते थे, जल संचय करते थे। यानी तीन चीजें हो गई, नहरों से खेतों की सिंचाई, दूसरी चीजें हो गई कि आपने कुओं से खेत की सिंचाई, और तीसरी चीजें आपने देखी कि धोलावीरा में, गुजरात के धोलावीरा में वाटर रिजर्वोयर, जल भंडार के भी प्रमाण मिले हैं, यानी इरिगेशन। ये तीन चीजें आप, और लगे हाथ दो प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो गए कि नहरों से सिंचाई के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिले हैं। तो बच्चों आपने अभी मैंने जिक्र किया अफगानिस्तान के शोर तुघई से, ये आप बिल्कुल नोट कर लें। वाटर रिजर्वोयर के प्रमाण तो हम धोलावीरा की चर्चा हम करेंगे। टू डिफरेंट क्रॉप्स, एक ही समय में टू डिफरेंट क्रॉप्स वे ग्रोन, इसको कहते हैं दैट वॉज द क्रॉस ग्रीड पैटर्न, बिकॉज इट वॉज ग्रोन टूगेदर एज वी हैव फाउंड दैट द फील्ड हैड टू सेट्स ऑफ फरोज एट द राइट एंगल्स कटिंग ईच अदर, सो इट इज कॉल्ड द क्रॉस ग्रीड पैटर्न। अब इससे अगर अगला हम सवाल अगर आप उससे करें कि कौन सा धातु, तो आप स्पष्ट बता देंगे कि आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल। अब हम आइए नेक्स्ट है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो पहला हमने कृषि देख लिया, यह मुख्य व्यवसाय था, यह भी हमने देख लिया। कृषि तकनीक हमने देख ली, तकनीक में हमने क्या क्या चीजें देखी वो रिकैप में भी आप देखेंगे, तकनीक में हमने क्या क्या देखी। अब हम देखेंगे पशुपालन, ये बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हम वहां की जलवायु से, कुछ चीजें हम जोड़ते हैं वो समकालीन सभ्यता से जोड़ते हैं कुछ चीजें, तो इस तरह एक। अब हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में आएंगे। कृषि और पशुपालन आज भी, पहले भी, ये दोनों एक साथ से वेरी कहें कि आपस में जुड़े हुए हैं, और हड़प्पावासी कृषि के साथ साथ पशुपालन करते हैं, पशुओं को पालते थे। अब कौन कौन से पशु मिलते हैं, जब आप मोहनजोदड़ो मूवी जब आप देखते हैं, अगर आपने देखी हो ये मूवी, तो शुरू में ही उसकी लड़ाई, ऋतिक रोशन की लड़ाई होती है वो घड़ियाल से, यानी घड़ियाल तो मिलता है, कैसे हम जानते हैं। जानवरों की हड्डियां मिलना, वे पशु पालते थे, कौन कौन से पशु घरों में पाले जाते थे ये तो हम जानवरों की हड्डियां मिली पता लगना, हमें हाथी, बाघ, गैंडा इसके हड्डियां मिली हैं या इसके सील इंप्रेशन मिले हैं, सील के ऊपर इनके चित्र मिले हैं, ये कैसे जानकारी ये है आपको है कि क्योंकि उनको जानकारी है। हिरन, घड़ियाल, सुअर, ये सारे जानवर की जानकारी है। और जो द एनिमल्स विच दे डोमेस्टिकेटेड दैट वॉज भेड़, बकरी, सुअर और भैंस। भेड़, बकरी, सुअर, भैंस, ये सारे वो पालते थे। हाथी, बाघ, गैंडा, हिरण, घड़ियाल, सुअर, ये सारे जानवर से वो परिचित हैं। छोटे छोटे कई क्ले टॉयज, मिट्टी के खिलौने आपको मैं दिखाऊंगा, ये मिट्टी के खिलौने आप देख रहे हो के बुक में भी कई जगह है, छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने हमें टेराकोटा बुल मिला है, यानी ये दिखाते हैं कि ये जानवर अस्तित्व में थे। बुल वॉज वाइडली इट वॉज यूज, बुल वॉज नोन टेरा, बिकॉज टेराकोटा बुल हमें खुदाई में मिले हैं, और जो टेराकोटा टॉयस है छोटे छोटे वो सारे बताते हैं, ये सारे जानवर जिनकी चर्चा हमने की, भेड़, बकरी, ये सारे मिलते थे। एंड ट्रेड में जानवरों का प्रयोग जो होते थे एक्सटेंसिवली, ये कैमल्स एंड डंकीज, ऊंट और गधों का प्रयोग वो करते थे। एक और यहां जानवर की चर्चा करना ठीक है, यहां घोड़ा से वो परिचित तो थे लेकिन घोड़े का प्रयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। ये भी एक आध जगह, चूंकि गुजरात के लगभग 2000 ईसा पूर्व में सुरकोतड़ा जगह है वहां से घोड़े के, तो घोड़ा एक ऐसा जानवर नहीं था जिससे वो परिचित नहीं थे, परिचित तो थे
लेकिन उसका प्रयोग वो नहीं करते थे। यानी यहाँ भी जिस तरह आप लोहे का प्रयोग आप धातु में लिखते हैं कि लोहे का वो बारे में नहीं जानते थे, जिस तरह हमने वहाँ एक्सेप्शन में हमने चावल की चर्चा की, इट वॉज नॉट वाइडली कल्टिवेटेड, और उसी तरह यहाँ हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में घोड़ा की चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तीसरी चीज आइए आप, यानी हमने दो चीजों की चर्चा अभी तक कर ली है, पहला कृषि, उसी में कृषि तकनीक भी है, और दूसरा हमने पशुपालन की चर्चा की है, और ये सारा हम किस हेड के अंतर्गत कर रहे हैं क्लास, ये सारा हम सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि वो जीवन निर्वाह के साधन या आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलू। इसमें कई क्वेश्चन आगे हम असाइनमेंट्स में चर्चा करेंगे। अब हम ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें, व्यापार, तो व्यापार का रूट एक तो जल मार्ग से व्यापार होना और दूसरा स्थल मार्ग का यूज होना। तो जल मार्ग इंडस वैली और इसके ट्रिब्यूटरीज जो उसकी सहायक नदियां हैं, इस जल मार्ग का प्रयोग करके वो व्यापार करते थे, और स्थल मार्ग में जो हमने अभी चर्चा की, द कैमल्स एंड द डोंकीज, दे वर यूज्ड टू कैरी द लोड्स एंड दे वर यूज्ड इन द ट्रेड। तो जलमार्ग से वो इंडस वैली, इंडस रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज और सी रूट्स का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हड़प्पा वासियों का जो ट्रेड रिलेशंस थे, ये ट्रेड रिलेशंस मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन जैसे देशों से था। क्योंकि आपको कुछ शब्द यहां मेसोपोटामियन टेक्स्ट में, मेसोपोटामिया के ग्रंथ में मेलुहा, तो मेलुहा शब्द का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के, हड़प्पा के लिए हुआ है वो मेलुहा वर्ड, और दिलमुन, मगन, ये सारे शब्द की चर्चा होगी। यानी अब दूसरी बात है और प्रमाण पे हम आए कि कैसे हम जानते हैं कि विदेशी व्यापार होता था या जल मार्ग से व्यापार होता था या समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। तो हमें मास्टलेस शीप मिला है, हमें सील्स, जो आप पेज नंबर आपके बुक में 14 में भी आप देखेंगे कि मोहरों पर बड़ी नाव, ये बड़ी नाव समंदर में ही चलती थी, ये बड़ी नावों को, इस बड़ी नावों के हमें सील इंप्रेशन, आपको सील पे उनके इंप्रेशन मिले हैं, उनके चित्र बने मिले हैं। इसका मतलब ये है कि, और उसके बाद मेसोपोटामिया में इसकी चर्चा है, इट वॉज द लैंड ऑफ सी फेयरर्स, ये नाविकों का देश है, मेलुहा नाविकों का देश है। अब ये मेलुहा शब्द फिर यहां बार बार आ रहा है, मेलुहा शब्द हड़प्पा वासियों के लिए मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में वर्णन है। आप लिखेंगे कि मेलुहा, MELUHA, मेलुहा शब्द, दिस वॉज यूज फॉर, तो आप लिखेंगे इट वॉज यूज इन द मेसोपोटामियन टेक्स्ट फॉर द हड़प्पन पीपल। मैंने कहा कि देश के भीतर और देश के बाहर, ये दोनों जगह से उनके विदेशी व्यापार होते थे। तो आप एक लिस्ट बनाएंगे किन किन जगहों से और किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था। बता दें मेटल्स यहां कांस से, अब मैंने ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी, टीन और तांबा को मिलाकर कांसा बनाए जाते थे, ना तो टीन यहां उपलब्ध लोकली अवेलेबल था, ना तांबा लोकली अवेलेबल था, ये सारे बाहर से मंगाए जाते थे। तो बहुमूल्य पत्थर, टीन, चांदी, तांबा, सोना। अब मेटल्स अगर आपसे पूछा जाए कि मेटल्स कौन कौन से प्रयोग करते थे, तो हमने अभी नाम लिए आपको, आप देख रहे हो कि वो कांसा, टीन तांबा हुआ, चांदी, सोना। तो आप सोना चांदी की चर्चा आप करेंगे और कांसे की चर्चा करेंगे। अब लिखिए आपकी, आप एक सूची बनाएंगे कि किन किन स्थानों से विदेशों से व्यापार होते थे और किन किन देशों से होते थे, और भारत के अंदर अगर व्यापार होते थे क्षेत्रों के अंदर, थोड़ा दक्षिण भारत से मंगाते थे, यानी देश के भीतर उनका व्यापार सोना दक्षिण भारत से, तांबा राजस्थान से और अफगानिस्तान से। ये चीज आप एक अलग लिस्ट बनाएं, सोना दक्षिण भारत से, तांबा राजस्थान और बलूचिस्तान से,
चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, टीन अफगानिस्तान से, और जो बहुमूल्य पत्थर है, ये बहुमूल्य पत्थर जो नीले लाजवत पत्थर है, ये लैपिस लेजुली कहते हैं इसको, वो अफगानिस्तान के शोरतुघई से मंगाए जाते थे। कार्नेलियल पत्थर लोथल, सेलखड़ी सिटाइट कहते हैं, ये दक्षिणी राजस्थान से ये सारे मंगाए जाते थे। एक और महत्वपूर्ण चीज, जब आप ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं तो वहां आप लिखेंगे इस बात का भी कि ट्रेड एक्टिविटीज में या ट्रेड प्रैक्टिसेस में सील्स काफी अहम रोल था, सील्स का, मोहरों का काफी प्रयोग होता था। कल हमने इंट्रोडक्शन में कभी बताया था कि महत्वपूर्ण स्रोत में मोहरों की चर्चा हमने की थी कि मोहर जो इंडस वैली के सील्स हैं, जो हड़प्पन सील्स हैं, इनके कहां यूज, तो इट पहली बात कि ट्रेड में किस तरह ये भेजने सामान जो भेजे जाते थे और सेफ डिलीवरी का ये प्रमाण होता था कि वो उसके उस बैग को, थैले को, थैले में सामान भर दिया एक व्यापारी, उस थैले पर, थैले को रस्सी से बांधा, रस्सी के ऊपर गांठ लगाई, गांठ के ऊपर मिट्टी का लेप लगाया और इसके ऊपर सील लगाया। जब ये सूख गया तो ये सील के दाग हो गए। अब ये जो व्यापारी के वो अपना सील है, फिर वो जहां वो भेजा गया, जिसे वो सील मिला, जिसे वो सील्ड गुड्स मिले या बैग मिले, अगर वो इंटैक्ट है, इसका मतलब सामान की सेफ डिलीवरी हुई है। आज भी हम इसका यूज करते हैं, यानी व्यापार में सील्स प्रयोग किए जाते थे। हमने ये भी देखा रेगुलेटेड यूज ऑफ द वेट्स एंड मेजर्स। अब आइए कि व्यापार के लिए कोई धातु मुद्रा अस्तित्व में नहीं थी, वो बाटर सिस्टम, बाटर सिस्टम मीन्स वस्तु विनिमय प्रणाली, ये सारे वस्तु विनिमय प्रणाली अस्तित्व में थे। अब हम आए अगले पॉइंट्स की ओर, शिल्पकारी, क्राफ्ट्स। हमने अब तक देखा है बच्चों, अभी क्लास 12 हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर यहां हो रहा है अभी, अब हम नेक्स्ट में आएंगे शिल्पकारी, क्राफ्ट्स। तो जितने सामग्रियां, जितनी चीजें, जितनी आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं, उन सारे आर्टिफैक्ट्स के बाद आप एक सूची तैयार करेंगे कि वो शिल्पकारी या क्राफ्ट्स कौन कौन से क्राफ्ट्स में वो पारंगत थे, दे वे एक्सपर्ट्स। कपड़े की बुनाई, क्योंकि सूत की कताई, क्ले स्पिंडल्स, जो तकुआ होता है जिससे कपड़े है ना, तकुआ हमें खुदाई में मिली है, सूत की कताई, कपड़े की रंगाई, एम्ब्रॉयडरी वर्क्स, ये सारे एक में हो जाएंगे। बोट मेकिंग, नाव को वो बनाते थे। सील मेकिंग, मुहरे बनाना, ये सारे उनके शिल्पकारी के प्रमाण हैं। आभूषण बनाना, क्योंकि बहुत गहने, सोना चांदी के गहने हमें मिले हैं, तो ये सारे गहने कौन बनाते होंगे, यानी एक व्यवसाय था ये एक शिल्पकारी था। बीड्स बनाना, हमें मन के मिले हैं बीड मेकिंग, हमें पॉटरी मिले हैं, यानी पॉटरी मेकिंग, क्योंकि जितने हमें पॉटर व्हील्स के प्रमाण यही बता रहे हैं, पॉटर व्हील्स भी का भी मिलना यह बताता है कि पॉटरी मेकिंग वहां का एक प्रमुख शिल्पकारी था। फिर हम ब्रॉन्ज स्मिथ के प्रमाण तो हम जानेंगे, क्योंकि ब्रॉन्ज के कई टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स हमें मिले हैं। फिर जब हम टाउन प्लानिंग की बात करेंगे तो वहां के बिल्डिंग्स की बात, तो बिल्डिंग्स कौन बनाता होगा, ये मेसनरी वर्क। फिर हम मेटल वर्क्स की ही चर्चा उसमें तब हम करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट आइए, एक यहां भी लोहे का ज्ञान जरूर आप ध्यान रखेंगे, लोहे का ज्ञान हड़प्पा वासियों को बिल्कुल नहीं था। तो ये चार प्रमुख शीर्षक के अंतर्गत आप पूरे हड़प्पा के लोगों के आर्थिक जीवन, अर्थव्यवस्था या सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज की चर्चा आप करेंगे। सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी मींस कि वहां के लोगों के अर्थव्यवस्था के प्रमुख पहलू, या जीवन निर्वाह के साधन, या इस सारे जो विभिन्न हमने अभी पॉइंट्स आपको फोर मेनली बताए,
एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, फिर ट्रेड एंड कॉमर्स, फिर हमने क्राफ्ट्स बताए, इन सब की चर्चा आप करेंगे। सो अंत में हम कुछ प्रश्न यहां आप जरूर लिख लें, क्योंकि जितनी बातें हमने बताई इन सारे बातों के बाद, इन सारे पॉइंट्स के बाद, चूंकि बोर्ड वर्क है, टेक्निकल रीजन से हमने समय इसमें ज्यादा ही करना उचित नहीं समझा, इसलिए मैंने डायरेक्टली अभी लेक्चर शुरू कर दिया आपका। तो कुछ प्रश्न आप जरूर लिखिए ये असाइनमेंट्स के तौर पे, और आप इसको चैप्टर वन में जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आई होप। अदरवाइज मैं देखूंगा आपके कमेंट बॉक्स में कोई प्रश्न है तो मैं उसका जवाब दूंगा। नंबर वन, द ट्रेड आइटम्स, आगे भी हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन ट्रेड आइटम्स अब तक जो चर्चा हुई है, एंड द लिस्ट आइटम्स ऑफ गुड फ्रॉम वेयर डिड दे गेट इट, कौन से फूड आइटम्स वो खाते थे, वो प्रयोग करते थे, और कहां से उन्हें मिलता था। तो शायद ये यहां आप तीन चीजें उसमें आप वर्णन कर देंगे कि एक तो फूड गैदरर्स यानी शिकारी लोगों से मिलता होगा, जानवरों के जो मांस वगैरह हो, फार्मर से मिलता होगा, फिर है विच मेटल्स वेयर नोन टू देम, तीसरा प्रश्न है विच मेटल्स वेयर नोन टू देम, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा बिल्कुल नहीं, ध्यान रखिएगा कि लोहे आपके एक्सेप्शन में है, लोहे का ज्ञान उन्हें नहीं था। नेम सम क्राफ्ट्स विच वर प्रैक्टिस बाय द हड़प्पन पीपल, मैंने अभी लास्ट में चर्चा की ये क्राफ्ट्स है, कपड़े की बुनाई, बोट मेकिंग, मोहर निर्माण, सील्स मेकिंग, आभूषण बनाना, पॉटरी मेकिंग, ये सारे। नेम द रीजन्स आउटसाइड द कॉन्टिनेंट्स विथ विच द हड़प्पन ट्रेडेड, भारत से बाहर के वो देश का नाम आप बताएं जहां से हड़प्पा के लोगों का विदेशी व्यापार होता था। तो तीन जगह, एक मेसोपोटामिया, मगन, तिलमुन, इसकी आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एविडेंसेस यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द डाइटरी प्रैक्टिसेस, व्हाट एविडेंसेस वेर यूज्ड बाय द एक्सपर्ट्स, और व्हाट एविडेंसेस डू यू यूज अबाउट देयर डाइटरी प्रैक्टिसेस, यानी उनके भोजन के क्या क्या, कौन कौन सी चीजें खाते थे, डाइट्स क्या थे, ये आपको कैसे आपको प्रमाण मिला है। तो जानवरों की हड्डियां मिली हैं, मछली की हड्डियां मिली हैं, हमें अनाज के दाने मिले हैं, जले हुए अनाज के दाने मिले हैं, इन सारी चीजों से हमें उनके डाइटरी प्रैक्टिसेस का अंदाजा लगता है। तो ये विच एविडेंसेस वेर यूज्ड, अगर ये आए विच एनिमल्स वेर डोमेस्टिकेटेड, वेरी इजी, आपने लिखा भेड़, बकरी, सुअर, भैंस, बैल, ये सब आप लिखेंगे, ये डोमेस्टिकेट करते थे, लेकिन घोड़ा आप नहीं लिखेंगे। विच क्रॉप्स वेर नोन एंड विच क्रॉप्स वेर प्रोड्यूस्ड, यहां आप चावल जिक्र नहीं करेंगे मुख्य रूप से, गेहूं, जौ, इसका जिक्र जरूर करें आप, ये स्टेपल डाइट थे, तेल का जिक्र करें, दाल का जिक्र करें, कॉटन भी आप लिखें, इट वॉज प्रोड्यूस, ये इसकी। यूजेज ऑफ सील्स इन ट्रेड, अभी हमने कहा और कल भी इसकी चर्चा हुई थी। नाउ अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ट्रेसेस ऑफ कैनल्स, जब हमने सिंचाई की बात की थी तो ट्रेसेस ऑफ कैनल्स, ये अफगानिस्तान के शोरतुघई में आपने लिखा होगा, ट्रेसेस ऑफ कैनल्स, आप प्रमाण अफगानिस्तान या किस इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस स्थान से नहरों के अवशेष मिले हैं या नहरों के द्वारा सिंचाई के प्रमाण मिले हैं, तो आप अफगानिस्तान के शोरतुघई लिखेंगे। फिर एक प्रश्न आएगा एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, कृषि तकनीक, तकनीक में आप सारी चर्चा करें। इरिगेशन फैसिलिटीज, मुख्यतः तीन, नहरों से, कुओं से सिंचाई, और जो हमें धोलावीरा में मिला है वाटर रिजर्वायर, जल के भंडार। फ्रॉम वेयर दे ट्रेडेड मेटल्स, एक सूची आप बना लें, हमने सूची की चर्चा की थी कि मेटल्स कहां कहां से, सोना मंगाते थे, तांबा,
चांदी, टीन, इसकी सूची हमने आपको बता रखी है, आप देखिए उसकी सूची तैयार करें. फ्रॉम वेयर दे ट्रेडेड मेटल्स. टू एविडेंसेस ऑफ कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम मेसोपोटामिया. गिव द कंटेम्पररी नेम्स ऑफ मेलुहा. मेलुहा शब्द आज का नाम, या किसके लिए यह शब्द यूज होता था? मेलुहा शब्द हड़प्पा वासियों के लिए यूज होता था मेसोपोटामिया के ग्रंथों में. मेलुहा, मेलुहा, एम ई एल यू एच ए, मेलुहा. मगन एंड दिलमुन, ये तीन वर्ड्स आपको दे दिए जाएं और इनके कंटेम्पररी नेम्स आपको ढूंढने. तो जो मगन है वो मगन MEGAN, वो ओमान है आज का, जिसकी राजधानी मस्कट है. मेलुहा तो हमने बता दिया, और द दिलमुन वो आधुनिक बहरीन है. ये तीन. बस बच्चों आज के लिए इतना ही. आपके मैं कुछ कमेंट्स देखूंगा और जो आंसर्स, कुछ अगर प्रश्न होंगे तो मैं उनका जवाब देने की भी कोशिश करता हूं. आज हमने, कल हमने शुरुआत में इंट्रोडक्शन देखा था, शुरुआत में हमने डिस्कवरी देखी थी, आज हमने इकोनॉमिक लाइफ के बारे में देखा, हड़प्पा के सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज के बारे में देखा, हमने कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में देखा. सो थैंक यू वेरी मच. और घर में रहिए, स्टे सेफ, एंजॉय योरसेल्फ. थैंक यू वेरी मच.